खेलो बैटिंग फैंटेसी सिर्फ बल्लेबाजी.com पर। सेलेक्ट करो अपने 5 बेस्ट बल्लेबाज, सबसे ज्यादा रन बनाओ और सबसे ज्यादा कैश कमाओ। लॉग ऑन टू बल्लेबाजी.com, द बेस्ट फैंटेसी क्रिकेट एक्सपीरियंस। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीरो एवं KGF के पूरे 5 दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शाहरुख खान की फिल्म जीरो ने अब तक कितना कलेक्शन किया, साथ ही साथ रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF ने इंडिया और ओवरसीज वर्ल्ड वाइड कितना टोटल कलेक्शन किया। तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को आप शुरू से लगा के अंत तक। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पे आपको मिलेगी बॉलीवुड और साउथ की सभी फिल्मों की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले हिंदी में। तो दोस्तों अगर बात करें सुपरस्टार शाहरुख खान के फिल्म जीरो के बारे में, तो दोस्तों जीरो को 5 दिन हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज को। इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 20 करोड़ का कारोबार किया था, वही दूसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन लगभग 18 करोड़ के आसपास रहा। वही दोस्तों तीसरे दिन यानी संडे को इस फिल्म के कलेक्शन में जहां जंप आना था, वहां इस फिल्म के कलेक्शन और ड्रॉप होके 19 करोड़ ही रह गए। इसी के साथ दोस्तों बात करें इस फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन की, तो चौथे दिन था मंडे और मंडे जैसे हम सब जानते हैं कि वर्किंग डे रहता है और उस दिन सभी फिल्मों के कलेक्शन ड्रॉप हो जाते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने मंडे कमाए लगभग 9 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों बात करें पांचवें दिन की, तो पांचवें दिन इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी एकदम कम देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, पांचवें दिन तो यकीन मानिए यूं लग रहा है कि इस फिल्म की जो कमाई है वो बिल्कुल से थम गई है। जी हाँ दोस्तों, पांचवें दिन की जिस हिसाब से अभी तक की रिपोर्ट्स आई है और जिस तरह से ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जीरो अपने पांचवें दिन लगभग 6 से 7 करोड़ तक का कारोबार कर लेती है। अगर ये फिल्म 7 करोड़ रुपए भी कमाने में कामयाब हो जाती है तो जीरो का जो 5 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो जाएगा लगभग 76 करोड़ यानी 76 करोड़ रुपए। अब बात करें दोस्तों सैंडलवुड की फिल्म KGF के बारे में, तो दोस्तों KGF एक कन्नाड़ा मूवी है जिसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम में रिलीज किया गया था और दोस्तों इस फिल्म को ओवरसीज में भी काफ़ी अच्छी स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो वाकई ही लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, KGF ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में तो कम कमाई की थी, लेकिन जैसे जैसे इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा गया, फिल्म के रिव्यू अच्छे गए, उसके बाद पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर तक जा रही है और दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो इंडिया में भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और ओवरसीज में भी। अगर बात करें हिंदी वर्जन की, तो हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई कर ली अपने पहले वीकेंड में और मंडे को भी बढ़िया कलेक्शन रहा। जी हाँ दोस्तों, अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 52 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड। वही दूसरे दिन इस फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड वो था लगभग 45 करोड़ रुपए और तीसरे दिन इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था 40 करोड़ रुपए। वही बात करें इस फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन की, तो चौथे दिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाए लगभग 38 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें पांचवें दिन की, तो पांचवें दिन भी इस फिल्म की काफ़ी अच्छी पकड़ बनी हुई है, मतलब ये फिल्म पांचवें दिन भी लगभग 23 करोड़ का कारोबार कर सकती है। तो दोस्तों इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, मतलब सभी धुर का टोटल कलेक्शन, वो हो चुका है लगभग 205 करोड़ रुपए। वही KGF के सिर्फ इंडिया के कलेक्शन की बात करें, तो दोस्तों इस फिल्म ने इंडिया में अपने पहले दिन लगभग 18 से 19 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वही दूसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन लगभग 19 करोड़ 30 लाख के आसपास रहा। वही दोस्तों बात करें तीसरे दिन सिर्फ इंडिया के कलेक्शन के, तीसरे दिन KGF ने इंडिया में कमाए लगभग 22 करोड़ रुपए। वही चौथे दिन इंडिया में इस फिल्म का KGF का कलेक्शन रहा लगभग 17 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म के पांचवें दिन के इंडियन कलेक्शन के बारे में, तो इंडिया में ये फिल्म अपने पांचवें दिन काफी अच्छी पकड़ बना के रखी हुई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म इंडिया में पांचवें दिन कम से कम, जी हां दोस्तों, कम से कम 15 करोड़ तक का कारोबार बड़ी आसानी से कर लेगी। तो दोस्तों इसी के साथ जो इंडिया का इस फिल्म पर टोटल कलेक्शन होगा 5 दिन का वो हो जाएगा 91 करोड़ यानी 91 करोड़ और इस फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड वो हो जाएगा 205 करोड़ रुपए। तो दोस्तों KGF कहीं ना कहीं जीरो से काफी आगे निकल गई है और शाहरुख खान की फिल्म जीरो को पीछे कर गई है। अब दोस्तों देखना यह है कि क्या शाहरुख खान की फिल्म जीरो 200 करोड़ पहले कमाती है या फिर KGF इंडिया में पहले 200 करोड़ का कारोबार
प्यार करती है। क्योंकि दोस्तों एक तरह से देखे जाए तो जीरो ने अपने 5 दिन में इंडिया में सिर्फ 76 करोड़ कमाए, वही KGF ने इंडिया में अभी तक 91 करोड़ यानी 91 करोड़ कमा लिए हैं और वर्ल्ड वाइड KGF के 205 करोड़ हो चुके हैं। अब देखना यह है कि KGF इंडिया में 200 करोड़ कमाती है या 300 करोड़ कमाने में कामयाब होती है। हालांकि ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है KGF इंडिया में कितना कलेक्शन कर सकती है, 200 करोड़ 300 करोड़ या 400 करोड़? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ के हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।